हेलो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे आप सब लोग, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। काफ़ी दिन हो गए थे यार, मेरे चैनल पे कोई वीडियो नहीं आई थी गाइस। सो फाइनली आज इंतज़ार ख़त्म करते हैं और आज बनाते एक धमाकेदार वीडियो। आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के सेंसेशन आजकल बने हुए हैं, जो कि इंटरनेट पर बहुत ही छाए हुए हैं। इंटरनेट पर फेसबुक, व्हाट्सएप, जहाँ देखो वहाँ सिर्फ आजकल सिर्फ एक ही चले हुए हैं और उनका नाम है हम कप कपाए जड़ा हमें लग जाए बाल्टी उठा के नहाने जो जाए रोंगटे खड़े हो जाए दे ताने ना दे ताने ना। हैप्पी जन्म दियाड़ा आज, हैप्पी जन्म दियाड़ा तू तो मेरा लड़ा की आज तेरी वोट लगे तेरे सारे नोट लगे आज मेरी वोट लगनी है मेरे सारे। गाइस हम बात करने जा रहे आज चैन सिंह, जो कि डिस्ट्रिक्ट सोलन हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते और ऐसी फ़नी फ़नी वीडियो बनाते हैं। तो मेरा मोटिव ये बनाने का, क्योंकि मैंने उनको देखा जिस तरह से वो पॉजिटिव अपना वीडियोस में अपना पॉजिटिव मैसेज देते हैं समाज को, लोगों को, तो मुझे बहुत भाया उनका। एक तो मैं जब मैंने उनकी फर्स्ट टाइम वीडियो देखी थी, मैं सच्ची रियलिटी बताऊँ, अगर भाई भी इस वीडियो को देखेंगे तो मुझे बहुत हंसी आई अंदर से जब मैंने उनकी फर्स्ट टाइम वो वीडियो देखी थी। वो शायद घास है खारे आज इन्हें हम धूप सकारे धूप में खुश हो के ये पुंजड़ी हिला रे पुंजड़ी हिला रे। देखो हमारे डंगर घास है खारे। वीडियोज है उनको सही से मैंने एनालाइज किया तो तब मुझे समझ आया कि नहीं यार कि बंदा कितना पॉजिटिव मैसेज देता है समाज को। काटा नहीं जाता ओ बावरे के घासा लंबियां लंबियां रे कटे तेरे संगियां संगियां रे के घासा लंबियां लंबियां रे कटे तेरे संगियां संगियां रे। तो बात करते कि चैन भाई में मुझे ऐसा क्या लगा कि मुझे, मैं आज उनके ऊपर ही वीडियो बना रहा हूँ। एक तो सबसे फर्स्ट बात यह है कि जब वो वीडियो बनाते और उनकी वीडियो बनाने का तरीका, अंदाज, उनका जो प्रेजेंटेशन है बहुत ही ज़बरदस्त है और कॉमेडी प्लस एक अच्छा मैसेज देते हैं समाज को, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा उनका जो प्रेजेंटेशन करने का तरीका है उनका, बहुत अच्छा लगा। और फर्स्ट सेकंड बात यह है कि जब भी मैं किसी हिमाचली को देखता हूँ कि शिखर की ओर जाता हुआ अच्छे चमकते सितारों को देखता हूँ, खासकर जो हिमाचल से, तो मैं बहुत खुश हो जाता हूँ क्योंकि हमारा हिमाचल भी आगे शिखर की ओर बढ़ रहा है और हमारे हिमाचल में भी टैलेंट की कमी नहीं है। सो एक प्राउड महसूस होता है और आज ये जो प्राउड है हमारे पॉजिटिव चैन, इन्होंने इस प्राउड को हमें दिलाया है और हम चाहते हैं कि ये ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहे और दर्शकों का जो दिल है उसको लूटते रहे और हंसाते रहे और एक पॉजिटिव चेन जो कि ये चलाते आ रहे हैं उसको आगे तक ले जाए और हम उनकी हेल्प करेंगे जहां तक हमारे। आओ तुम्हें खेत में ले जाएं खिलने से लसन गुड़ाएं इनमें से घास हटाएं बेच के फिर पैसे कमाएं हो आओ तुम्हें खेत में ले जाएं। पर्सनली मैं बात करना चाहूँगा चैन भाई के बारे में, क्योंकि मुझे उनका एक वीडियो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ज़बरदस्त उन्होंने उस वीडियो में बताया कि अपने माइंड सेट को, हम जो अपना दिमाग को, अपने माइंड सेट को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे हम फोकस कर सकते हैं अपने माइंड सेट पर। अगर हमारा माइंड सेट एक बारी हो जाता तो हम कुछ भी कर सकते हैं। सो ये देखिए आप इस वीडियो में आप जान जाएंगे कि इन्होंने किस तरह से बताया, एक स्टोरी के माध्यम से बताया उन्होंने, तो एक बहुत ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने बताया है। सो गाइज आप भी देखिए और ये वीडियो का क्रेडिट सारा चैन भाई को जाता है, क्योंकि ये वीडियो उनके लिए ही है और उनके ऊपर ये सारी वेस्ट है क्योंकि वो अच्छा काम कर रहे हैं। सो आप इस वीडियो को देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और चैन भाई को ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। और यार ऐसा नहीं है कि मैं व्यूज़ के खातिर ऐसा कर रहा हूँ या कुछ
अपनी पब्लिसिटी के लिए चैन भाई की तारीफ कर रहा हूँ। यार मैं तो उनको सही से जानता भी नहीं हूँ, हालांकि मैंने उनको सिर्फ फेसबुक पे जो फेसबुक वीडियोज है उनमें ही देखा है, और इससे आगे कुछ भी नहीं है, क्योंकि उनका काम अच्छा है। अगर आप लोगों का काम अच्छा है तो मैं आपके बारे में भी बात करूंगा, आपको भी अपने चैनल पे लाऊंगा, और एक बार जब हमारा चैनल अच्छा ग्रो करेगा तो मैं चैन भाई को भी एक इंटरव्यू उनके साथ करूंगा, और उनसे बहुत सारी बातचीत करूंगा, और आपको भी उनसे रूबरू कराऊंगा। सो गाइज, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और आप देख रहे हैं पॉजिटिव चैन, राइट। तो आज हम जिस विषय के बारे में बात करना चाह रहे हैं वो है माइंडसेट, कि माइंडसेट क्या होता है और ये कैसा होना चाहिए। तो इसके लिए एक बहुत ही अच्छी कहानी हम आपको सुनाने वाले हैं, और ये कहानी है एक डाकू और एक साधु की। एक डाकू और एक साधु, दोनों की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद दोनों ही यमलोक पहुंचते हैं, यमराज जी के द्वार में। अब यमराज जी के द्वार में पहुंचने पर उन दोनों का कच्चा चिट्ठा खोला जाता है, राइट। कच्चा चिट्ठा खोला जाता है तो देखा जाता है कि किसने कितने पाप किए हैं, किसने कितने पुण्य किए हैं, किसने अपने पूरे जीवन में क्या क्या किया है, कितने अपराध किए हैं और कितने पुण्य किए हैं। सिंपली जैसा होता है, जैसा आपने सुना होगा, देखा तो नहीं होगा क्योंकि देख तो कोई भी नहीं सकता है, मृत्यु के बाद ही शायद ऐसा होता होगा, आई एम नॉट श्योर, बट दिस इज अ स्टोरी टू टेल यू समथिंग अबाउट द माइंडसेट, राइट। तो माइंडसेट की कुछ ऐसी कहानी है कि जब उनसे पूछा गया, सबसे पहले पूछा गया साधु जी से, पूछा गया कि साधु जी आप बताइए आपको स्वर्ग चाहिए या नर्क चाहिए। तो साधु जी ने अपना विवरण देते हुए कहा कि यार मैंने तो बहुत सारी तपस्या की है, पूरे जीवन भर तपस्या की है और भक्ति की है, तो अतः मुझे तो स्वर्ग ही जाना है, राइट। अब इसके बाद बारी आती है डाकू जी की। तो डाकू जी भी भोले भाले डाकू हैं, मतलब डाकू हैं बट चतुर नहीं है, ये खेल समझिएगा, डाकू हैं मगर वो चतुर नहीं है। डाकू जी ने कहा कि देखिए यमराज जी, मैंने तो पूरी जिंदगी भर पाप किए हैं, पूरी जिंदगी भर लूटपाट किया है, तो अतः आप मुझे सजा दे दीजिए, मैं सजा का ही हकदार हूं। तो यमराज जी ने कहा कि ठीक है, तुम्हें सजा दी जाती है कि तुम आज से इस साधु की सेवा करोगे। तो डाकू ने स्वीकार कर लिया कि ठीक है, साधु की सेवा मैं कर लूंगा अगर यही मेरा दंड है। मगर यहां पर साधु जी ने आपत्ति जताई कि देखिए, मैंने पूरी जिंदगी भर तपस्या की है और अगर ये डाकू मुझे स्पर्श करेगा, मेरे संपर्क में आएगा, तो मेरी तपस्या भंग हो जाएगी, मैंने जितना पुण्य कमाया है वो सारा चला जाएगा, अतः मैं इस डाकू का स्पर्श नहीं चाहता, मैं यह चीज नहीं चाहता कि यह डाकू मेरी सेवा करे। अब यहां पर डाकू की सेवा करने से साधु जी को आपत्ति हो गई, तो यमराज जी ने कहा कि हे मूर्ख साधु, सुन, तूने जिंदगी भर तपस्या की है और वो तपस्या भी अधूरी है, क्योंकि तेरी सोच नहीं बदली, तूने इतनी तपस्या की है मगर फिर भी तुझे यह समझ नहीं आया कि हर एक जीव में एक ही परमात्मा है, एक ही ब्रह्मांड है, सब एक जैसा ही है, मतलब सब में एक वही जीव है, जीवन सब में एक समान है। तो तूने इतनी तपस्या की मगर तुझे यह बात समझ में नहीं आई जो इस डाकू को समझ में आ गई है, और इसने बहुत ही प्यार से एक्सेप्ट किया है कि मैंने गुनाह किए हैं, अतः मुझे सजा दीजिए। मगर जब इसे सजा दी गई तो इसने सहर्ष स्वीकार कर लिया, मगर तुम स्वीकार नहीं कर रहे हो, तुम समझ रहे हो कि अगर यह तुम्हें स्पर्श करेगा तो तुम्हारी तपस्या भंग हो जाएगी। तो तुम्हें यह भी समझ में नहीं आया कि हर एक प्राणी में एक ही जीव विद्यमान है, अगर तुमने यह बात नहीं समझी तो तुम्हारी सारी तपस्या अधूरी है, अतः तुम्हें दंड दिया जाता है, आज से तुम इस डाकू की सेवा करोगे। और साधु को यह स्वीकार करना पड़ा। तो यह होता है माइंडसेट, माइंडसेट का जो खेल है वो यही है, क्योंकि डाकू ने शायद पूरी जिंदगी भर पाप किए हैं, मगर उसे उसने जो पाप किए हैं उसमें बिल्कुल भी छल कपट नहीं होगा, मतलब उसने जानबूझकर वो पाप नहीं किए होंगे, शायद किसी मजबूरी में किए होंगे, अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए किए होंगे, उसने शौक से तो नहीं किए होंगे। तो यही फर्क होता है एक माइंडसेट का, कि चाहे आप जितनी भी तपस्या कर लें, आप जितने मर्जी पुण्य कमा लें, हर रोज मंत्रोच्चारण कर लें, आप हर रोज भगवान की पूजा कर लें, अल्लाह के दरबार में जाएं, मस्जिद में जाएं, गुरुद्वारे में जाएं, सेवा करें,
चर्च में जाएं, वहां पे प्रार्थनाएं करें, तो उसका कोई फल नहीं मिलने वाला है, क्योंकि मन तो है बंदे तेरा काला काला, क्या तू करेगा रे फेर के माला। जब तक मन ही काला है तब तक क्या करेगी माला। तो यही थी आज की कहानी, और इसी तरह से आप अपने मन को काबू में रखिए, संयम से काम लीजिएगा, जो भी कीजिएगा सच्चे दिल से सच्ची श्रद्धा से कीजिएगा अपने जीवन में।